कैसे हो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने ट्रेडिंग चैनल में, ट्रेडिंग विद रोहन में। दोस्तों, हम एक नया लर्निंग वीडियो लेके आ रहे हैं 3 हफ्ते बाद। हम एवरी वीक लेके आते हैं, बट कुछ तकनीकी कारण की वजह से हम नए लर्निंग वीडियोस नहीं लेके आए आप लोगों के लिए। उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी कहता हूँ। और इस बार का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, और आपको बड़े मूव्स कैसे पिक करने हैं, कैसे मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में, लर्निंग वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके के जब बैंक निफ्टी या निफ्टी में मूव्स आते हैं तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसे मूव्स किस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में कुछ इस तरीके के मूव्स आ, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल आया। अगर ऐसे बड़े मूव्स कैप्चर करने रहेंगे तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, सभी के सभी डिटेल्स दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ से, लर्निंग वीडियोज़ भी सीखने मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लर्निंग वीडियोस की तरफ, और यहाँ पे मैं पहला इंडिकेटर लेने वाला हूँ, और इंडिकेटर के साथ आपको एक स्क्रीन स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड यूज़ करना है। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड क्यों यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बॉलिंजर बैंड कैसे वर्क करता है, जब मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा तो यहाँ पर बैंड स्क्वीज हो जाता है, कैंडल्स इसके बीच में ही मूव होते हैं। जैसे ही एक बड़ा मोमेंटम आता है ये यहाँ से बल्ज होने लगता है और इस तरीके का कुछ मूव्स दिखाता है, और जब कैंडल इसको स्टिक करके चलते हो, देखिए इस तरीके से कैंडल स्टिक करके चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको इन बॉलिंजर बैंड। और लेट से सपोज अगर डाउनवर्ड्स की तरफ मूवमेंट है, देखिए यहाँ पे भी एक अपवर्ड मूवमेंट है और डाउनवर्ड्स के मूवमेंट है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से बैंड्स को चिपक के बड़े कैंडल्स बनते जाएंगे और उसके बाजू में ही कैंडल्स बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा अपसाइड आया, देन अगेन डाउन साइड। तो हमको इस तरीके के मूव्स कैप्चर करने हैं। अब ये मूव्स बहुत सारे स्टॉक्स में भी आते हैं एंड इंडेक्स में भी आते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में 2000-3000 स्टॉक्स हैं, कैसे पता चलेगा कि इस तरीके का मूव्स आया है कि नहीं, तो इसके लिए आपको एक स्क्रीनर रन करना होगा, जिसके वजह से आपको इस तरीके के मूव्स कैप्चर करने मिलेंगे और आप यहाँ पे से बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। कैसे और स्क्रीनर किस तरीके से काम करने वाला है वो अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चार्टिंग टाइप करना है। आप चार्टिंग टाइप करोगे तो पहली वेबसाइट आ जाती है चार्ट इंक करके, आपको यहाँ से चार्टिंग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सिलेक्ट करना है स्क्रीनर। तो हम यहाँ पे स्क्रीनर को सिलेक्ट करने वाले हैं, और अब हम करेंगे क्रिएट योर ओन, यानी कि मैं आपको एक स्क्रीनर बताने वाला हूँ क्रिएट करके, कि किस तरीके से आप इस तरीके के बड़े मूव्स डाउन साइड या ऑन अपसाइड ले सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे स्क्रीनर पे, यहाँ पे स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स के जगह पे, कैश के जगह पे आपको करना है निफ्टी 500। हम कैश में डील नहीं करेंगे, हम निफ्टी के 500 सबसे अच्छे स्टॉक्स में ही काम करने वाले हैं। अभी आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे हाई लिखना है। आपको कौन सा हाई लिखना है, डेली हाई नहीं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं वीकली हाई। वीकली हाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे वीकली हाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको यहाँ पे फिर से एक बड़ा हाई सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हाई सिलेक्ट किया बट यहाँ पे वीकली नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे अपर अपर बॉलिंजर बैंड। अब देखिए ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, वीकली हाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वीकली बॉलिंजर बैंड, यानी कि अब हम चले जाएंगे निफ्टी के वीकली चार्ट पे। ये देखिए ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का अगर मूव्स दिखेगा तो ये हमको इंडिकेट करेगा, देखिए ये कुछ इस तरीके का मूव्स दिखेगा, इस तरीके का
तो ये हमको बता देगा कि यहाँ पे वीकली में, वीकली चार्ट में एक बढ़िया बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट आया। ये देखिए यहाँ पे बॉलिंजर ब्रांड का ब्रेकआउट आया एंड देन देखिए रैली बहुत बड़ी थी। यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे डिप्स थे बट एक रैली काफ़ी बड़ी थी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। यानी कि आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि मार्केट में कब मोमेंटम आने वाला है। ये देखिए इस तरीके के मोमेंटम्स बताने वाला है हमको ये स्कैनर। अब ये हो गया वीकली। हम इसमें और दो स्ट्रैटेजीज ऐड करेंगे जिससे हम शॉर्ट टर्म भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्लोज देखना है। यहाँ पे क्या देखना है, डेली क्लोज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे हम फिर से हम क्लोज को ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे वीकली हाई देखेंगे, वीकली बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे हम अपर बॉलिंजर बैंड यूज़ करेंगे। यानी कि अब क्या हो रहा है, वीकली हाई तो चिपक के चल रहा है बॉलिंजर बैंड के, यानी कि देखिए ये वीकली हाई बॉलिंजर बैंड को चिपक के चल रहा है, बट उसके साथ ही साथ डेली भी एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, यानी कि इस तरीके का मूव्स दे रहा है। तो ये यहाँ पे प्रेडिक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो मूव्स आ रहा है, यहाँ से बॉलिंजर बैंड को स्टिक करके चल रहा है, तो हमको वो स्टॉक्स बता देगा। तो अब हम क्लियर हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रटी रटाई हुई चीज़ नहीं सीखनी है दोस्तों, यहाँ से सीखना है, देखना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एंड देन सोच समझ के ट्रेड कीजिए। और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन हम सिलेक्ट करने वाले कितने दिन का, तो हम यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करने हैं वॉल्यूम्स, कितना वॉल्यूम्स, डेली वॉल्यूम्स नहीं, हम सिलेक्ट करने वाले 10 दिन का, यानी कि डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 डेज अगो वॉल्यूम, यानी कि आज के दिन का जो वॉल्यूम है ना पिछले 10 दिनों के वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा है। और ये हमारा स्क्रीनर बन गया, हम इसको रन करने वाले। जैसे आपने रन को क्लिक किया, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर मैं हिताची एनर्जी देखूँ तो पावर इंडिया 7,000 का स्टॉक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे दोस्तों क्लिक किया, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कैंडल बन गई है। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताऊंगा। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखिए बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, यानी कि ये अब इसको स्टिक करके चल रही है। जब भी देखिए कैंडल स्टिक करके चलते हैं, बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो हमको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया ब्रेकआउट है एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो दोस्तों, डिप ले रहा है, अगेन अपसाइड, डिप अगेन अ बिग अपसाइड। तो यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड है, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेकआउट मिला है। एक और स्टॉक देखेंगे, दैट इज सी जी पावर। सी जी पावर में भी देखिए दोस्तों इस तरीके का बढ़िया मूव आया। देखिए कल पे भी एक अच्छा मोमेंटम था और आज भी देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। तो आपको इस तरीके के स्टॉक्स ढूंढने हैं ये स्कैनर से जहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला हो। SRF देखते हैं, SRF पे भी देखिए दोस्तों एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। ये लेवल्स हैं इसके, ये आप लेवल्स देख सकते हो, ये लेवल्स को आज इसने ब्रेक किया है ऑन डेली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखिए दोस्तों ये बुलिश है। हम डेली टाइम फ्रेम नहीं देख रहे दोस्तों, अब देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश बनने की ट्राई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, बहुत ही बढ़िया, और आप इसे स्विंग ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको एक एवेन्यू सुपरमार्केट, डी मार्ट काफ़ी अच्छा चर्चे में स्टॉक है, देखिए यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरीके के स्टॉक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको निफ्टी 500 सिलेक्ट करना है एंड रन स्कैन करना है। डेली बेसिस पे आप रन करोगे तो आपको कुछ स्टॉक्स मिलेंगे और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे मेरी लर्निंग कम्युनिटी भी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लर्निंग कम्युनिटी भी है टेलीग्राम में, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फ्री में बहुत सारे इंडिकेटर्स और स्कैनर शेयर करते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने मिला हो। अगर ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।